प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश परावत। जिस दिन का हमें इंतजार था, यानी कि जिस मौसम का काफी दिनों से इंतजार था, वो कल उत्तर भारत में देखने को मिला और हमने देखा कि दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छा वेदर हो गया था। यानी कई इलाकों में ओले गिरे थे, पटियाला में ओले गिरे, उसी तरह दिल्ली के कई इलाकों में, हरियाणा के कुछ भागों में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ओलावृष्टि हुई। और आप देखिए, ये एनिमेशन है कल का, ये दोपहर के बाद का है। ये आप देखिए, पूरे उत्तर भारत में यानी कि पहाड़ों पर बादल थे, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा घने बादल देखे गए। और जो तापमान में परिवर्तन था, यानी कि हमने देखा मैक्सिमम टेम्परेचर तो 39 गया दिल्ली में, लेकिन उसके बाद में जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो तापमान था वो 37 डिग्री से 31 डिग्री तक आ गया। यानी कि 2 घंटे के बीच में 6 डिग्री का ड्रॉप हुआ और उसके बाद 6 से 8 के बीच में 24 डिग्री तापमान आ गया। यानी कि ये 31 से लेकर के 24 डिग्री का ड्रॉप हुआ, 60 डिग्री और ज़्यादा गिर गया। यानी कि कुल मिलाकर 4 घंटे में 13 डिग्री तापमान गिरा और मौसम सुहावना हो गया और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, कई इलाकों में केवल हवा चली और इस तरह की वेदर एक्टिविटी, पैची वेदर एक्टिविटी पूरे इलाके को देखने को मिली। तो अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ था, एक ट्रफ रेखा है इस तरह से गुजर रही है, यहाँ तक आ रही है और पूर्वी हवाएं आप देखिए बंगाल की खाड़ी से नमी ले रही है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर है। क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये तो पहले भी हो रहे थे लेकिन क्योंकि इसमें नमी नहीं थी, नमी आई है ये पूर्वी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से बनी है और ये ट्रफ रेखा क्या थी, पहाड़ों पर बनी हुई थी। अब ये ट्रफ रेखा नीचे आई है मानसून में, जैसे आती है जब मानसून में क्या होता है कि ट्रफ रेखा के साथ साथ बारिश की गतिविधियां ऊपर नीचे होती है, तो ये जो ट्रफ रेखा बनी है यानी कि निम्न दबाव की रेखा जिसको कहते हैं, यहाँ पर बादल ऊपर उठते हैं, हवाएं ऊपर उठती है जिससे कि बादल बनते हैं। यानी हवा, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी हवा ऊपर उठती है यानी कि हम एटमोसफियर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान गिरते हैं, तो हवा का तापमान भी गिरता है और जब हवा का तापमान गिरता है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है यानी नमी होती है वो वाष्प में बदल के यानी कि भाप में बदल के बादल बन जाते हैं और बारिश होती है। तो यही वेदर एक्टिविटी देखने को मिली। और जब तापमान बहुत ज़्यादा होते हैं, कि पिछले कुछ दिनों में हम देखा कि टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर बने हुए थे, तो उससे क्या होता है कि जो बादल हैं काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं और जब काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं तो वो ओले उसमें गिरने की संभावना इसलिए हो जाती है कि जब हम एटमोसफियर में ऊपर जाते हैं तो 4, 4.5, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0 डिग्री आ जाता है, तापमान 0 डिग्री पर आ जाता है, शून्य आ जाता है। उसके ऊपर जब बादल बन जाते हैं, यानी कि अगर 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई तक बादल है या 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसका टॉप है बादल का, तो उसमें जो वाष्प ये पानी होगा वो सुपर कोल्ड वाटर में होगा और वो आपस में जब टकराता है तो वो ओले यानी कि आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण से जब नीचे गिरते हैं तो ओले गिरते हैं। तो इसीलिए ये ओलावृष्टि इस सारे इलाके में देखने को मिली है। अब क्या होगा कि कल भी, क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी है, कल जैसे ही तापमान बढ़ेंगे फिर से गरजने वाले बादल बन सकते हैं, तो कल जो इंटेंसिटी होगी आज से कम होगी लेकिन फिर भी उत्तर भारत के कई भागों में मेघ गर्जना या हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे और 10 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि एक बार फिर हीट वेव आ जाएगी उत्तर भारत में, दिल्ली NCR सहित कई इलाकों में। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में अब क्या है कि जो वेदर एक्टिविटी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1-2 इलाकों में देखने को मिलेगी, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन इलाकों में अभी भी अगले कुछ दिनों तक वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी और एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है जो 6 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा। वो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बन के हो सकता है साइक्लोन बन जाए। तो कुछ मॉडल उसको दिखा रहे हैं कि म्यांमार की तरफ या बांग्लादेश की तरफ ला रहे हैं, कुछ उड़ीसा की तरफ ला रहे हैं, तो अभी पूरी तरह से ट्रैक यानी कि परिपक्व नहीं हो पाया है। जब लो प्रेशर एरिया बन जाएगा उसके बाद और ज्यादा जो बातें क्लियर होंगी तब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों और इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगर ये सिस्टम ऊपर की तरफ आता है, ओडिशा की तरफ आता है, तो 9-10 तारीख को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल के जो गंगे इलाके हैं इस इलाके में बारिश पड़ेगी। अगर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में बारिश पड़ेगी, उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और अगर हम ये जो सेंट्रल इंडिया है इसके बारे में अगर हम देखें तो सेंट्रल इंडिया में अभी भी तापमान तो बढ़े हुए हैं लेकिन हीट वेव हट गई है। कल से ही हीट वेव काफी इलाकों में हट गई है, ज्यादातर भारत में कहीं पर भी हीट वेव नहीं है। अब धीरे धीरे तापमान, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम हट जाएगा और टेम्परेचर बढ़ना शुरू होंगे, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में एक बार फिर तापमान बढ़ने से क्या होगा कि हीट वेव आ सकती है अभी, लेकिन 2-3 दिनों के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, लेकिन तापमान सामान्य से ऊपर
बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और हमने देखा तेलंगाना में बहुत अच्छी बारिश हुई थी परसों और कल होते होते उसमें कमी आ गई थी और अब क्या है कि जो तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, तटीय आंध्र प्रदेश में हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप देखिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो जल्दी ही यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो आज, कल और परसों 3 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश होगी। समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं और जो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वहां पर वो लगभग सस्पेंड हो जाएंगे अगले 3-4 दिनों के दौरान, क्योंकि जब बारिश होती है और तेज हवाएं चलती हैं तो काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो स्कूबा डाइविंग वगैरह जो है और बाकी स्नॉर्कलिंग वगैरह ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी अगर 3-4 दिन के बाद, यानी कि 8 तारीख के बाद या 9 तारीख के बाद से फिर से शुरुआत हो सकती है सारे इलाके में। तो कुल मिलाकर के वेदर एक्टिविटी अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहेगी, पहाड़ों पर अगले 24 घंटों तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, उसके बाद वहां पर भी बारिश समाप्त हो जाएगी और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 11-12 तारीख के आसपास आएगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।